सुरक्षा व्यवस्था के बीच वाराणसी में मतगणना संपन्न कराने की तैयारी है। हमारे साथ वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं? लगभग मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। देखिए, यहाँ मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर ईवीएम्स रखी हैं, स्ट्रांग रूम, और जो मतगणना हॉल है वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। उसके बाहर पीएसी और तीसरे घेरे में सिविल पुलिस लगाई गई है। 1500 से अधिक सिविल पुलिस के जवान और 200 से अधिक पैरामिलिट्री के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मतगणना स्थल पर रूफटॉप ड्यूटियाँ और स्नाइपर्स को भी तैनात किया गया है। 15 से अधिक क्यूआरटी टीम्स जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं उनको तैनात किया गया है। ये टीम इस प्रकार से प्रशिक्षित हैं कि किसी भी परिस्थिति का वो सामना कर सकती हैं। जो हमारे थानाध्यक्ष हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो अपने साथ दंगा नियंत्रण इक्विपमेंट्स जैसे लाठी, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट्स, रबर ब्लेड्स, ये सब लेकर के वो चल रहे हैं। थानावार ऐसे तत्वों को चिन्हित किया गया है जो पूर्व में जिनकी गतिविधियाँ ठीक नहीं रही हैं, जो हिंसा में संलिप्त रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हम लोग लगातार कड़ी नज़र रखे हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई भ्रामक समाचार या कोई भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डालता है तो उसको चिन्हित करके उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, मतगणना स्थल के अलावा वाराणसी के भी कुछ संवेदनशील जगहों पर नज़र रखी जा रही है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रशासनिक जो फोर्सेस हैं वहाँ बढ़ाई गई, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं? बिल्कुल, जनपद के जो मतगणना स्थल है उसके मतगणना स्थल के बाहर के एरिया में जितने भी हमारे थाने हैं, जितने भी हमारी चौकियां हैं, मुख्य बाजार हैं, वहां पर पुलिस लगातार भ्रमणशील है और धारा 144 जनपद में लागू है। कहीं पर भी इलीगल भीड़ का जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा। यदि कहीं भीड़ इकट्ठी होती है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।